So, dear students, today we are here to discuss all kind of more challenging question. More challenging question means, as you all can see, the heading which is written on my board is question bank. Question bank are not from NCERT. You have not done this type of question before. Okay, the question which I am giving you right now are coming from IMO, NSO, the competition exams. ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से टफ, थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले होंगे बेटा, ठीक है? एंड रिमेंबर, व्हाट एवर वी आर राइटिंग, यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग ऑन फेयर कॉपी. हेडिंग विल बी क्वेश्चन बैंक. ओके, हेडिंग विल बी क्वेश्चन बैंक. नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, यू हैव टू राइट इट डाउन, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नेगेटिव इंटीजर. आई वॉन्ट दिस आंसर टू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. डू यू नो और यू डोंट नो? ऑलवेज रिमेंबर बेटा, वेन एवर यू टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मे बी, ठीक है, रिमेंबर इसको हटा देते हैं. थ्री डिजिट नेगेटिव इंटीजर, थ्री डिजिट नेगेटिव इंटीजर आपने पढ़ा है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमेशा आप पढ़ते चले आए हो, इट्स -100 और -999. यही दो नंबर होते हैं, या तो ये स्मॉलेस्ट होगा या तो ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है. अब नाउ लेट मी टेल यू, यू आर नोइंग वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द सेम टाइम नेगेटिव. हम यहाँ पर नेगेटिव वर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, और आपने पढ़ा होगा कि जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो जो जितना ज्यादा छोटा होता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, आपने नेगेटिव पढ़ा है ना. तो इसमें क्या होता है, जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि -100 भले ही छोटा है बट ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट. ओके, एंड -999 भले ही सबसे बड़ा नंबर है बट चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट. इट मीन्स इफ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नेगेटिव इंटीजर, सो योर आंसर विल बी दिस. इफ योर क्वेश्चन विल बी ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नेगेटिव इंटीजर, सो योर आंसर विल बी दिस. So please note it down both in your fair copy. So students, I have given you this question which is depending on the previous question. Okay? So सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे predecessor find out करना है. बेटा predecessor तब तक नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है. तो सबसे पहले smallest three digit negative integer, अभी अभी हमने पढ़ा है तुरंत, that is -999. Okay? So this is our smallest three digit negative integer. Now it is telling you want predecessor. Predecessor means P for predecessor. P means पहले. पहले मतलब उसके पहले वाला number. That means one before. One before means -1. So what we will do? Keep it -1 here. Okay? You will put only -1. Now you can see this is 999 with negative. This is -1. Both are negative integers, beta. So both will be added together, and the answer will be -1000. Many students are writing their answer -998. But beta, you are forgetting that we are doing the chapter integer. Integer means everything is golmaal. सब कुछ अपोजिट. तो यहाँ पर जो 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 आपका यहाँ पर प्रेडिसेसर होगा वो बन जाएगा सक्सेसर, और जो सक्सेसर है वो बन जाएगा प्रेडिसेसर. तो आपको ये दिमाग लगाना है, द आंसर विल बी -1000 ओवर हियर. सो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, आई गेव यू अनदर क्वेश्चन विच वॉज सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. तो फिर से वही पैटर्न, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट मीन्स बेटा -999 अभी हमने जस्ट पढ़ा था. नाउ इट इज टेलिंग सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स बेटा बाद वाला,
बाद वाला मतलब प्लस वन, वन आफ्टर, सो आफ्टर वन मीन्स प्लस वन. नाउ यू आर नोइंग वी हैव वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, बोथ विल सॉल्व एंड द आंसर विल कम 998. So the answer will be 998 in negative. Okay. So now you can raise hand whose answers are right. आप जो भी questions पढ़ते हो, जिस भी type के questions आपके होते हैं, वो उसकी language पे depend करता है कि आपको करना क्या है, ठीक है? So आप word problem को देख के समझ जाते हो. So the same way आपको maths की language को पहचानना आना चाहिए. So now today I am going to give you some questions which will be depending on math language. So my first question is, find the sum of. Now first one is minus 8 and 13. My second question is minus 11 and minus 13. And third one is minus 15 and minus 11 plus 13 minus 19. Now let's see who are giving it the correct answer. Try this out. So here I can see the questions which I gave by me is done by many of the students right now. So let's discuss what should be the solution of it. As you are knowing, it is written, find the sum. Sum ka matlab hota hai beta addition. Addition means the sign of plus. So it is telling minus 8 and end matlab plus. And here we have 13. Now you are knowing we have one positive, one negative. That means both will subtract each other and the answer will be their difference. So 13 mein se 8 jayega, bachega beta 5. And the number 13 is greater. So the sign will be of 13 only. That means plus. So either you write plus 5 or you write only 5. Both are correct. So the first answer will give you 5 marks. Now second question. Minus 11 and minus 13. Both are same signed. Same signed means if you have both are negative, both will be added. If both are positive, both will be added. So it means agar aapke paas dono number mein same sign hai, to dono add ho jayenge. So the answer will be here 24, and as you all can see, both are negative. So the answer will also be negative only. So the answer will be minus 24. Now let's move on to the last question, but not the least question. Now what is telling here? Minus 15. इसको हम कुछ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ तो पूरी क्लास बैठी है. अभी तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. So how we will solve now? And will remain and only. Minus 11, minus 19. Dono dost dost hain. So dono solve ho jayenge. It will give you minus 30. Now minus 30 and 13 will be solved together. And we will get it as minus 17. Okay, it will give us minus 17. Now you have minus 15 and this side minus 17. So jab aap inko solve karoge to aapko pata hai beta dono hi same sign hai. So same sign means they will be added together, and when they will be added together, the answer will be coming here minus 32. 7, 5, 12 carry here 1. 1, 1, 2, 2, 1, यहाँ पे 3. So 32 should be the answer in this question. Minus 32 will be the answer for this particular question. So now, dear, we are taking the next step now. Next step means next process. That is subtraction 1. So the question is, again, you have to understand the language of mathematics. It is telling you have
to subtract. So the heading will be subtract. Now, my first question will be, you have to subtract 7 from 18. 7 from 18. It's a very simple question, but I want to tell you the method of it. That is why I gave you this. So just solve it and tell me the answer. Aditya Kumar Singh is the first one who gave the answer. Dear kids, I hope you all are very much known about it. That means you are knowing it's the language of mathematics, which says us you have to subtract 7 from 18. From 18 ka matlab hota hai, pehle 18 aayega. So sabse pehle hum kya karenge yahan pe? 18 likhenge. Uske baad it is telling you have to subtract. Subtract का मतलब होता है the sign of minus. Subtract का मतलब होता है the sign of minus. Now I put the sign of minus. Now what to subtract? I had to subtract 7 from it. So I'll write it down 7 here. Now my question is 18 minus 7. Now 18 minus 7 comes as 11. So the answer is 11. Question was very simple. Now I am giving you little complicated question. What is little complicated? The question is you have to subtract 15 from minus 19. Aap thoda sa negative ka tadka lagate hain, theek hai? So now solve it. 15 from minus 18, minus 19. Now, beta, the process is again same. Process is again same. Process will never change. What is the process? First, we will note down the number which is written after from. Means minus 19 will come first. Okay? Because it is telling you have to subtract. So, sabse pehle minus 19 aa gaya. Now, it is telling you have to subtract 15 from it. So, sabse pehle to subtraction ka sign aayega. Subtraction का साइन भी लिख दिया आपने. उसके बाद इट इज टेलिंग यू हैव टू सबट्रैक्ट 15. सो यहाँ पर आ गया 15. सो नाउ द नंबर इज माइनस 19 माइनस 15. बट बेटा आप लोग आंसर को 4 कैसे लिख सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास दो सेम साइन के नंबर होते हैं तो हम एड कर देते हैं, तो 4 आंसर कैसे आएगा बेटा? आंसर तो यहाँ पर 34 आना चाहिए. आंसर तो यहाँ पे 34 आना चाहिए, बिकॉज बोथ आर सेम साइंड नंबर्स. सो बोथ विल बी एडेड टुगेदर. सो द आंसर विल बी माइनस 34. इट विल नॉट बी 4 ओनली. ओके, चलो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बिकॉज now my question is to you all, you have to subtract 17 from minus 20. Solve it faster. So now I can see many of you have given the answer. The question given by me was 17 from minus 20. So sabse pehle aayega minus 20. Now you are subtracting. So subtracting matlab sign of minus. Now it's 17. So 17 aa jayega aapka next number. Okay. Now here it is telling minus 20 minus 17 both are negative. Both will be added together. So the answer will be minus 37. Okay. Minus 37 will be the answer over here. Now always remember, एक जंगल का एक राजा. एक राजा मतलब एक ही शेर. ठीक है, like एक ही शेर राजा होगा. शेर बहुत सारे हो सकते हैं, but राजा एक ही होगा. Same thing, एक मयान में केवल एक तलवार. एक से ज्यादा तलवार नहीं रखी जाती. ठीक है, अगर आपको दूसरी तलवार रखनी तो उसके लिए या तो आप एक अलग से मयान लेकर आओगे या तो दूसरे को सेव करोगे. सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ. द क्वेश्चन इज नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट
माइनस थ्री फ्रॉम माइनस 15. अब यहां पर दोनों के साथ नेगेटिव लग गया. अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचे बनेगा लिटिल डिफरेंट. हाउ विल यू डू? नाउ लुक एट हियर. इट्स टेलिंग यू हैव टू सबट्रैक्ट माइनस थ्री फ्रॉम माइनस 15. तो सबसे पहले तो बेटा माइनस 15 आएगा. ओके, नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट. सबट्रैक्ट का साइन होता है नेगेटिव. आपने लिख दिया. अब आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन में बोल रहा है आपको सबट्रैक्ट करना है माइनस थ्री. तो बेटा यहाँ तो डबल डबल माइनस के साइन आ जाएंगे बिकॉज आपको यहाँ पर माइनस थ्री सबट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर आ गया डबल साइन. डबल साइन मतलब दो दो नेगेटिव. एक जंगल के दो दो राजा, बट विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एक जंगल में दो राजा तो होने नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले थ्री को सेव कर देंगे. सेव कैसे करेंगे बेटा? बाय पुटिंग द ब्रैकेट. बाय पुटिंग द ब्रैकेट. और जैसे ही ये क्वेश्चन ब्रैकेट वाला हुआ, आपको याद आ गई होगी सब्ट्रैक्शन की जो हम लोगों ने कल की थी, है ना? व्हाट वी विल डू नाउ? Now we will do the process of Anurag which was telling. Okay, now how we will do this? Minus 15 will remain like this only. This minus will make this minus a positive 1. Okay, and it will give you simply 3 now. Now minus 15 plus 3, the answer will be minus 12. Finish. So the question which I gave you is minus 11 from minus 17. So सबसे पहले लिखा आपने minus 17. Now subtract means subtraction का sign. Now we have minus 11. So now you are knowing दो दो negative के sign, मतलब ये वाला negative उस वाले negative को बना देगा positive. और यहाँ पे आ जाएगा 11 and this is minus 17. Now minus 17 and plus 11 will give you minus 6, which I can see many of you have given the answer. Beta, let me tell you, aaj aap jitne questions kar rahe ho na, sare class 7th ke question hai, sare. Agar aapne 6th mein achche se pad liya, to aapko 7th ki aadhi, main aadha integer to chapter to bani gaya. Because 7th ka pehla chapter is integer. And if you are able to do today's question, I am very, very sure you will be able to apply all these concepts in class 7th very properly. Okay, so thank you very much everyone.